पूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी भेड़ियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घरों की तो रोटियां ही चली गई, किंतु मेरे घरों की तो रोटियां ही चली गई। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण, ग्राम से पधारे हुए मुख्य अतिथियों, ग्रामवासियों एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं कक्षा 11 की छात्रा यशस्वी स्वामी आज आपको देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी। अगर गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। आजादी, आजादी का असली मतलब केवल नहीं समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान उदान भारत के उदाहरणों में स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे, और हमारे इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 65 और 71 के युद्धों में अपना स्वभाव गवा देने वाली औरत जब घर के हाल यूं हो जाया करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता नहीं, पूरी जिसकी कई बोटियां चली गई, पूरी जिसकी कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घरों को तो रोटियां ही चली गई, किंतु मेरे घरों को घरों की तो रोटियां ही चली गई। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है, तब देश बलिदान मांगता है, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता है, किंतु आज हमारा देश बलिदान नहीं मांगता। मेरे विचारों में कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाले 50 ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में मजबूर करती है। क्योंकि न वो मस्जिद को जानता है, न वो शिवालय को जानता है, क्योंकि वो न मस्जिद को जानता है, न वो शिवालय को जानता है, वो पेट का भूखा है साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानता है, वो पेट का भूखा है साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानता है। अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के प्रति समर्पण का भाव है अपनी देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है अपनी देशभक्ति, क्योंकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तू दरिंदा है तो ये समझान तेरा है, भाईचारे से रहना तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी है, ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। अब मैं बता दूं, हम महिला सुरक्षा के मामले में चौथे पायदान पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम, यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम कि ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, कि ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की और ये भारत मेरा है। मेरे विचारों में अपने राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब देश में नारी की पूजा नहीं, नारी की इज्जत की जाएगी, जब देश में नारी की पूजा नहीं, नारी की इज्जत की जाएगी। स्वच्छ भारत में केवल सरकार ही नहीं, सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर जाएगा, बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट
लगता है। अब मैं भारत की बेटी यह आह्वान करूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा एक दिन हौसला बुलंद जो पाकिस्तान भी जय कहेगा, पाकिस्तान भी जय कहेगा। अरे पाकिस्तान